नमस्कार, आप देख रहे हैं वज्रपात न्यूज। योगापट्टी थाना क्षेत्र में बच्चों के विवाद में एक की मौत, इतने से मोहन सिंह की रिपोर्ट। योगापट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत बारात देखने गए दो बच्चों की बीच विवाद हुआ, देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया और दोनों बच्चों के अभिभावक एक दूसरे से भिड़ गए, जमकर चाकूबाजी हुई। चाकूबाजी की इस घटना में एक अभिभावक की मौत हो गई। बताते चले कि घटना योगापट्टी थाना के गोलघाट गांव की है, जहां गांव में एक बारात आई थी। बच्चे बारात देखने गए थे, इसी दौरान दो बच्चों के बीच विवाद हो गया और अभिभावक एक दूसरे से भिड़ गए। बताया जा रहा है कि रूपेश ठाकुर और हीरामन यादव में जमकर मारपीट हुई, जिसमें हीरामन यादव के गले में चाकू लगने से मौत हो गई। आनंद फानंद में देर रात्रि हीरामन यादव को स्थानीय PHC पहुंचाया गया, जहां पर हीरामन यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौके पर पुलिस पहुंच मामले की जांच में जुट गई है। वही मृत हीरामन यादव के परिजनों का कहना है कि चाकू में हमला किया गया, जिससे हीरामन यादव की मौत हो गई। घटना से गांव में सनसनी फैल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, वज्रपात न्यूज़।